नमस्कार दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की ऐसा एक कहानी लाया हूँ जिसमें आज एक ऐसा बैंक है जहाँ पर पैसा नहीं, श्री रामचंद्र जी के नाम से खाते चलते हैं। और ये बहुत पुराना बैंक है जहाँ पर लोग अपना धन तो जमा नहीं करते, लेकिन राम नाम का किताब लिखकर जमा करते रहते हैं और इनकी आशा और विश्वास इस पर बना रहता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा बैंक है जहां पैसे नहीं बल्कि राम नाम जमा होते हैं। 2 साल पहले शुरू हुई इस बैंक में 1084 खाता धारक हैं जिनके खातों में करीब 1 अरब राम नाम जमा हो गए हैं। यहां उपभोक्ता और संचालक दोनों राम भक्त हैं। आमतौर पर जहां कापी किताबों को चूहे कुतर कुतर कर खा जाते हैं, वहीं राम नाम की लिखी कापियाँ यहाँ चूहे तक भी नहीं कुतर पाते। क्या है इसके पीछे मान्यता, चलिए जानते हैं। यहाँ पर भक्तों को कोरा कापी मुफ्त में मिलता है, उसमें राम नाम लिखकर वे बैंक में जमा करते हैं। इस बैंक का मकसद लोगों को अध्यात्म से जोड़ना है। श्री सीताराम मंदिर गोंडपारा के महंत और राम नाम बैंक के संचालक दिव्यंगत डॉक्टर लक्ष्मी शरण महाराज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने ही ये बैंक शुरू की है। बैंक में 50 करोड़ से भी अधिक राम नाम की कापियां लिखी जा चुकी है। बिलासपुर में 1941 में डॉक्टर लक्ष्मण शरण महाराज के गुरु सियावरण शरण महाराज ने ये मंदिर बनवाया था। करीब 70 साल पहले शुरू हुई बैंक में 50 करोड़ से अधिक राम नाम लिखी कापियां जमा हो गई है। सियावर शरण महाराज राम नाम लिखने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि राम नाम जपने से सहस्त्र गुना पाप मिट जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां एकाग्रचित हो जाती है, पापों से मुक्ति होने लगती है और आत्म शांति के लिए राम नाम लिखना पड़ता है। इससे वेद और शास्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। पहले छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में भी ऐसा बैंक खोला जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम बैंक के मैनेजर महेश चंद्र गुप्ता बताते हैं कि करीब 20 साल पहले से संचालित इस बैंक को 336 सदस्यों ने मिलकर शुरू किया था, जिन्होंने करीब 55 करोड़ राम का नाम लिखकर कापियां बैंक में जमा की है। 2022 से पहले तक बिलासपुर समेत आसपास के कई जिलों से 25 करोड़ राम नाम सिवरी नारायण बैंक में जमा किया जा चुका है। राम भक्त सीनियर एडवोकेट महेश चंद्र गुप्ता ने बैंक स्थापना के लिए अपने मुंगेली नाका स्थित निवास में जगह दी है। इसका प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक के संस्थापक महानृत्य गोपाल दास ने उन्हें दिया है, जिसके बाद ये बैंक मुंगेली नाका में संचालित है। अयोध्या से संचालित है ये संस्था। मैनेजर महेश चंद्र गुप्ता बैंक में श्री राम नाम की पूंजी का हिसाब रखते हैं। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है, जिसकी यह एक शाखा है। इसका शुभारम्भ 2 साल पहले अप्रैल में रामनवमी के दिन हुआ था, जिसके बाद से यहाँ राम नाम की पोथियों की संख्या बढ़ गई है। इस बैंक में 1084 खाता धारक है जिनके खातों में करीब 1 अरब राम नाम जमा हो गए हैं। अब इस राम नाम को अयोध्या में स्थित मुख्यालय में जमा कराना है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इस उत्सव को देश भर में मनाया जाएगा। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से हो, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम की बैंक में सुंदरकांड का पाठ होगा। साथ में इस दिन भगवान राम की पूजा आराधना की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुंगेली नाका चौक स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रभु श्री राम का एक भक्त है जिसने 13 सालों से कापियां पर राम नाम लिख रहा है। अब तक कुल 441 कापियों में 451 पेन से वो 67 लाख बार नाम लिख चुके हैं। अब आने वाले 4-5 सालों में 67 लाख को वो 1 करोड़ बनाकर अपनी जमा पूंजी के रूप में इस बैंक में जमा करेंगे। तो कैसे लगी ये रोचक तथ्य वाली जानकारी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।